जय हिंद वंदे मातरम जय श्री राम हर हर महादेव। जैसे कि एनीवेज एक चूतिय को पकड़ के जेल के अंदर ठोस दिया गया है, वहां पे भी वो अनाथ का दुश्मन है। मेरे सभी भाइयों से अनुरोध है कि जो वहां पे जेल में अगर बाई चांस गलती से उनके पास वीडियो पहुंचती है तो उस सुअर कटुए का मॉब लिंचिंग जो भी होता है वो कर डालो। तो देखिए जो होता था, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, उसकी तो गांड भी उखाड़ ली है बॉम्बे पुलिस ने। तो अभी आगे क्या होगा, अभी बारी आएगी फैजू 017 की। तो भड़ुए एक घटिया इंसान, छोटी मानसिकता रखने वाले, तेरे को इतने सारे लोगों ने सपोर्ट किया, तेरे को इतने सारे हिंदुओं ने, स्पेशली हिंदुओं और सिखों ने तेरे को सपोर्ट किया, और तू बोलता है कि हम बड़े होके आतंकवाद फैलाएंगे। तो बच्चे अब आतंकवाद फैलाना जेल में जाके, जब तेरे पिछवाड़े में डंडा जाएगा ना तब आतंकवाद फैलाना। अभी एक तो तेरा बाप उसको घसीटते हुए कुत्ते की तरह पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया गया है। मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी बॉम्बे पुलिस के या कोई भी देख रहा है, अगर जिनके पास वो वीडियो नहीं पहुंची है तो आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी जिसके लिए आपने एजाज खान को पकड़ा है, तो उसमें वो सुअर का बच्चा साथ में बैठा है, तो उस सुअर के बच्चे को भी पकड़ के वहां पे डालो। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ताकि इसके जैसे घटिया जो बोलते हैं कि मार तो दिया ये ब्ला 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 ब्ला, इसके ऊपर तेरे को मैं एक और बताता हूं। देख, मार तो दिया आजाद खान का हमने पिछवाड़ा, मार तो दिया हमने आजाद खान का पिछवाड़ा, कल को तेरा भी किसी चार पांच सूरों से पिछवाड़ा मुड़वा दिया, फिर ये मत कहना कि आजाद खान का और मेरे में डिफरेंस रख दिया, उसका बंदों से मरवाया और मेरा सूरों से। मेरे को पता है जो बहुत गंदा था, बहुत ही शूट करता तेरे पे। दोस्तों ये बंदा जिसको आप सभी ने प्यार दिया, जिसको आप सभी ने सपोर्ट किया, वो हम लोगों में नफरत पैदा करना चाहता है, वो हम सभी में बोलता है हिंदू मुसलमान ऐसा करेंगे, वो टिंकू शर्मा पे चुप रहता है, वो हिंदुओं में जितनी मॉब लिंचिंग होती है उस पे चुप रहता है, बट एक चोर मारा जाता है तो वहां पे बोलता है कि मुसलमान आतंकवाद कर देंगे, जहां पे हमारे दुर्गा मंदिर को तोड़ा जाता है वहां पे चुप रहता है, कश्मीरी पंडितों पे चुप रहता है, 15 से 20 अभी इस साल की बातें कर रहा हूं, लिंचिंग हुई है हिंदुओं पे उस पे चुप रहता है, अभी 2 हिंदुओं पे और लिंचिंग हुई है जो कि हिंदू मुसलमानों ने किए, उस पे भी चुप है, बोलेगा सिर्फ मुसलमानों पे। तो इसके जैसे कटुए को फाड़ के रख दो, सबसे पहले तो इसका जो आईडी है वो ब्लॉक करो, और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही आजाद खान की अल्हम्दुलिल्लाह करके फटी है ना पिछवाड़ा, वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी फटे, तब इसको पता चले कि क्या होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी ये बॉम्बे पुलिस से रिक्वेस्ट है, मेरी सभी उन हिंदू भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट है, मेरी ये सभी उन सिख भाइयों से और सिखनी शेरनियों से बहनों से रिक्वेस्ट है कि इसको अनफॉलो करे, और इसको भी उसकी असली औकात तक पहुंचाए, उसकी जगह तक पहुंचाए, इस साले को भी अंदर ठूस दे। और मेरे को विश्वास है कि जल्द ही इसका नंबर भी आएगा, और जिस दिन वो नंबर आएगा मैं इतना खुश हूंगा, मैं मिठाई बांटूंगा अपने यहाँ पे दोस्तों में, भाईचारों में, जो गरीब लोग हैं यहाँ पे उनके साथ खुशियां मनाऊंगा, और आप भी सभी के साथ ऐसे ही करना, और कोशिश करें कि इन सालों घटुओं को इनकी औकात बताते रहे। वंदे मातरम जय श्री राम हर हर महादेव।